दर्द का रिश्ता होता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको भी मेरी खुशियों के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। और अगर इस घर में मेरी बात कोई समझना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों रह रहा हूँ इस घर में? चला जाता हूँ ना मैं घर छोड़कर। तुम्हारे हाथ जोड़ती वैभव, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ। क्या हो गया तुम्हें वैभव? तुम अपनों को छोड़ के इस तरह से जा रहे हो, उस माँ को छोड़कर जा रहे हो जिसने 9 महीने तुम्हें कोक में रखा, उस पिता को छोड़कर जा रहे हो जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हारी एक एक खुशियों का ख्याल रखा, तुम अपनी एक जिद की वजह से आज उन सबको छोड़कर जा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आता कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी? इसकी वजह भी तुम हो, तुम। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती वैभव, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ, प्लीज तुम ऐसा मत करो कि मुझे मेरे होने पर अफसोस हो। वैभव मेरी मजबूरी समझो, तो शिखा से प्यार करते हो, तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी वैभव, मैं कहाँ जाऊंगी? ना ही मेरी परंपरा इसकी इजाजत देती है, ना ही मेरी मर्यादा। प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी को समझो, इस घर को छोड़ के मत जाओ तुम वैभव, प्लीज। बकवास मत करो तुम, मेरी जाने की वजह भी तुम बन रही हो और तुम ही मुझे रोक रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है शायद तुमने इस घर में कदम इसीलिए रखा था ताकि सबके दिलों में दरार डाल सको। अरे रिश्तों को बिखेर कर रख दिया तुमने। अब मैं जा रहा हूं इस घर को छोड़कर, खुश रहो ना तुम, रहो शान से इस घर में। बाबा, क्या कह रहे हैं आप लोग? वैभव ऐसा कैसे कर सकता है? उस पर तो शिखा का जीवन सवार था, वो कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहता है। हम तो उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है, धमकी दे रहा है। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा था पापा, आप लोग मुझ पर अपना फैसला लादना चाहते हैं इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तुम क्या कह रहे हो वैभव? उस शिखा के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे, इस परिवार को छोड़कर जाओगे? शिखा के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए, अपने वादे के लिए। आप लोगों को यह सच्चाई तो नजर आती है कि मेरी सुरभि के साथ शादी हुई, लेकिन मेरे जज्बात आप लोगों को नजर नहीं आते कि मैं सुरभि के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और ना ही आप लोगों को कहने से मैं शिखा का विश्वास तोड़ सकता। तो क्या इसका यही एक रास्ता है कि तुम घर छोड़कर चले जाओ? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता चाची। हाँ अगर आपको कोई रास्ता नजर आता हो तो बताइए ना। मुझे तो ये लगता है कि आप सबके दिल में
मुझसे ज्यादा सुरभि के लिए प्यार। और उस सुरभि की वजह से इस घर में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं। तो मेरा चला जाना ही ठीक है यहां से। अहमियत? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है? तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी अहमियत कम कैसे हो सकती है वैभव? बात इतनी सी है वैभव कि तुम्हारी जिद के आगे हम उस मासूम की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम्हारे कहने से हम उसकी बर्बादी का बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहते। बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जब हमारी सोच बढ़ चुकी, जब हमारे दिल में दरार पड़ चुकी, जब मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो मेरा चला जाना ही ठीक। तुम जाना चाहते हो ना? ठीक है, जाओ। यही तुम्हारी मर्जी है ना? घर छोड़कर जाना चाहते हो? कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। तुम्हें भी इस बात का गुरूर है ना कि तुम इस घर की इकलौती औलाद हो, इसलिए हम तुम्हारे सामने झुकेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला वैभव। हमारे फैसलों के सामने तुम्हारे फैसले नहीं लटेंगे। अगर तुम जाना चाहते हो, जा सकते हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ, जाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाने दो। बैठो। क्या कर रहे हो तुम? अब कोई मतलब नहीं है यहाँ रहने का। जब मुझे कोई समझना नहीं चाहता, तो मैं क्यों रहूँ इस घर? बैठो। अरे, ऐसा रोकिए उसे। जाने दो उसे। नमस्ते फूफा जी। खुश रहो। जब आप जैसे सच्चे और अच्छे इंसान आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। लेकिन पता नहीं फूफा जी कि आप लोगों का ये आशीर्वाद सार्थक कब होगा। सुरभि, जब तक तुम हम लोगों को बताओगी नहीं कि उस घर में क्या चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? माता जी को लेकर क्या वो लोग मुझे जिम्मेदार समझते हैं? आखिर बात क्या है? तुम जब तक बताओगे नहीं, हमें उन सब बातों का पता कैसे चलेगा? सुरभि, फूफा जी, आप ये बात जानते हैं ना कि वैभव ने मुझसे शादी ये सोचकर की थी ताकि वो मेरे जरिए आपको मजबूर कर सके और दादी माँ का पता लगा सके। अगर सुरभि की जिंदगी तबाह होने से बचाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरी दादी माँ को वापस लौटाना ही होगा। और अगर किसी दूसरे मकसद के लिए वैभव ने शादी रचाई, तो आप समझ सकते हैं फूफा जी कि वो शादी नहीं बल्कि एक साजिश है। मैं मुझे फंसाया गया ताकि दादी माँ को पता लगा सके। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
क्या शादी को अमरनाथ और उनके घर वालों ने मजाक समझ के रखा? शादी चाहे जैसे भी हालत निकली हो, शादी शादी होती है। और तुम्हारी शादी वैभव के साथ हुई है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। जब वैभव भी इस शादी को नहीं मान रहे तो किसी दूसरे की क्या बात करें फूफा जी? वैभव दरअसल शिखा नाम की लड़की से प्यार करते हैं, पर वो उसी के साथ रहना चाहते हैं। बकवास करता है वो, उसकी पत्नी तुम हो, सिर्फ तुम। उसकी जिंदगी में और किसी का दखल हो ही नहीं सकता। सुरभि, अब अमरनाथ और उनके घरवाले इस बारे में क्या कहते हैं? तो पाजी, सब लोग मुझे ही अपनी बहू मानते हैं, पर वैभव भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और पाजी, इसीलिए वैभव आज घर छोड़कर चले गए। क्या? हाँ फूफा जी, उम्मीदों को बचाने की कोशिश में उम्मीदें तो नहीं बची, रिश्ते जरूर टूट गए। आज वैभव ये घर छोड़कर चले गए, बस तसल्ली की बात तो ये है कि इस घर के सारे लोग मेरे साथ हैं। पापा, क्या बात है बेटा? लीजिए आपकी ग्रीन टी। तुम कुछ नाराज दिख रही हो। पापा, वैभव का फोन बंद आ रहा है। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है पापा? पता नहीं, तुम जाओ सो जाओ, सुबह देख। वैभव, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गया, और अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा किया वैभव तुमने, जिस घर में जिद और अहंकार के आगे बच्चों के दिल का ख्याल ना रखा जाए, बच्चों के दिल की बात ना समझी जाए, उस घर में कब तक रहा जा सकता है? आप ठीक कह रहे हैं अंकल, उस घर में कोई भी नहीं है जो मेरी भावनाओं को समझ सके। किसी की नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हें ये बात बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए थी वैभव। हाँ वैभव, और तुम्हें याद है कि तुम दर दर की ठोकरें खाया करते थे, और तुम्हारे पिताजी को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें। यहाँ तक कि तुम्हें अपने जेब खर्च के लिए भी उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कंपनी की हालत क्या है। कंपनी के एक एक दिन निकालना कितना मुश्किल हो गया, और तुमों को जब जी में आया तब तुम्हें पैसे चाहिए। अपने खर्च पर लगाम लगाओ। पापा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नई बाइक लेनी। तुम्हारे पास बाइक तो है? पिछले 4 सालों से वही बाइक तो चला रहा हूं मैं। वैभव, तुम्हारी जिंदगी का फलसफा यही है कि दिन भर आवारागर्दी करते रहो। मार्केट में कोई नई बाइक लॉन्च हुई है तो तुम्हें भी चाहिए। क्यों, दोस्तों को दिखाने के लिए? पापा, मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेवल एजेंसी खोलना चाहता हूँ। देखो वैभव, ट्रेवल एजेंसी लॉन्च करना और इसे चलाना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें वो जो तुम छोटा मोटा कमीशन लेकर टिकट लेकर बेचने का काम करना चाहते हो, वो ठीक है। हाँ अंकल, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। लोग अपना होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनों के लिए कुछ करते नहीं। काम पराए लोग ही आते हैं। मैं तुम्हारे लिए पराया था ना, खड़ा किया तुम, तुम्हारी कंपनी लॉन्च। आज अगर जाकर मैं अमरनाथ से पूछूं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या किया,
तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं। ये सवाल आप क्यों करें? वक्त आने पर मैं उनसे सवाल करूंगा। आपको उसे रोकना चाहिए था, लेकिन आपने उसे जाने की इजाजत दे दी। तो क्या मैं उसका हाथ जोड़ता, उसके पैर पड़ता कि रुक जा? दर्द का रिश्ता होता है। ये सवाल आप क्यों करें? वक्त आने पर मैं उनसे सवाल करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा इस दावे का क्या मतलब है कि मैं उनका बेटा हूं। यही कह के तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम उनके बेटे हो, या फिर यही कह के वो वापस तुम्हें लेके जाने की कोशिश करेंगे यही कह के कि तुम उनके बेटे हो। तुम्हें याद रखना है वैभव, याद से ये घर तुम्हारा है, ये सारी चीजें तुम्हारी, और तुम हमारे दामाद नहीं बल्कि हमारे बेटे बनने वाले, और आज से तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही। ये बात दिमाग से निकलने मत देना। जी रेवेश जी, खड़ी क्यों? वैभव को उसका कमरा दिखा। जी पापा, आओ वैभव। कैसा वक्त आ गया है ना? वैभव हमारी औलाद है, लेकिन उसे हमारे दुख से, हमारे गम से कोई लेना देना नहीं है। उसे तुम्हारे आंसुओं से कोई मतलब नहीं है श्रावणी। आपको उसे रोकना चाहिए था, लेकिन आपने उसे जाने की इजाजत दे दी। कि वो नहीं रहना चाहता तो चला जाए यहां से। तो क्या मैं उसका हाथ जोड़ता, उसके पैर पड़ता कि रुक जा? उसे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, सुरभि के साथ नहीं रह सकता तो मां बाप को छोड़कर चला जाए। नहीं सुरभि, मत रो, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। चले कैसी तकदीर है मेरी, आज मेरी वजह से आपको वैभव के लहासू बहाने पड़ रहे हैं। नहीं, बात तुम्हारी नहीं है, बात है सच्चाई की, बात है रिश्तों की, रिश्तों से जुड़ी हुई मर्यादाओं की। देखो बेटे, तुम मुकुंद प्रसाद को ये नहीं बताना कि वैभव ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया और वो घर छोड़कर चला गया। हम देखते हैं कि उसे वापस कैसे लाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन पापा जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पापा जी का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें वैभव के बारे में बता दिया। नहीं बेटे, तुम्हें मुकुंद प्रसाद को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, उन्हें भी इस बात से दुख होगा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि वो मेरी चिंता ना करें, क्योंकि अब सब मेरे साथ है। जाने दीजिए, जो सच है वो तो सबके सामने आ गई, अब वो सच चाहे दुख देने वाला हो चाहे शर्मिंदा करने वाला, एक ना एक दिन दुनिया के सामने तो आना ही। हम चाहे किसी को ना भी बताएं, लेकिन वो कालरा वो तो सबको बताएगा ही ना। तुम ठीक कह रहे हो श्रावणी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे बांकेलाल का हाथ है, क्योंकि वो अपने दिल में बदले की आग लिए बैठा हुआ है। हम किस किस को दोष देंगे जब अपना ही सिक्का खोटा निकला है? वैभव की वजह से हमें सबके साथ साथ मुकुंद प्रसाद चौरसिया को भी जवाब देना होगा, और फिर ये सब जानने के बाद वो क्या सोचेंगे? मैं सुरभि की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, उसकी खुशियों को उजड़ते हुए नहीं देख सकती,
इसके लिए आप ही को कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। सुरभि की जिंदगी आबाद करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? मैं नहीं जानती कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको कुछ करना होगा। इस घर की वजह से सुरभि की जिंदगी दुश्वार हुई है, आप ही को उसकी जिंदगी आबाद करने के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। माँ मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सुरभि चुप क्यों है, वो खामोश क्यों है? हम लोग तो इस बात को लेकर मजबूर थे कि हमें दादी माँ को तलाश करना था, इसीलिए हम लोग वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन लेकिन सुरभि को ये सारी बातें पता थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब सुरभि को ये बात पता थी कि वैभव की जिंदगी में किसी और लड़की का दखल है, तो वो ये सब बातें बर्दाश्त क्यों कर रही थी? यही तो मैं भी सोच रहा हूं। कल तक सुरभि शर्मिंदा थी, इसलिए कुछ पूछ नहीं पा रही थी। माँ आंसू बहाने से अधिकार नहीं मिलता, अपना अधिकार लेना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है, और सुरभि का अधिकार हम हासिल करेंगे। दर्द का रिश्ता होता है। कल तक सुरभि शर्मिंदा थी, इसलिए कुछ पूछ नहीं पा रही थी, लेकिन आज आज तो सुरभि घर में सर उठाकर जी सकती है, सवाल पूछ सकती है, सवाल कर सकती है। फिर वो चुप क्यों? सुरभि कह रही थी कि घर के सारे लोग उसके साथ, तो फिर वो आवाज क्यों नहीं उठा रही, जबकि वो घर में पड़ी आंसू बहा रही। अरे वो तो मासूम, उस घर के लोगों ने उसे दबा कर रखा होगा, कोई कदम उठाने ही नहीं दिया होगा। अपनी तकदीर पर आंसू बहाने के अलावा वो कर भी क्या सकती है? हाँ, आंसू बहाने से अधिकार नहीं मिलता, अपना अधिकार लेना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है, और सुरभि का अधिकार हम हासिल करेंगे। सुरभि मेरी बहन, उस घर में मैं उसका हक उसे वापस दिलवाऊंगा। मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा, मैं खुद वैभव से मिलकर उससे बात करना चाहता हूं कि वो सुरभि के साथ ये सब क्यों कर रहा है। उसने सुरभि के साथ शादी की है, और शादी कोई मजाक नहीं होती है। पर एक बात का ख्याल रखना बेटा, गुस्से में कोई भी बात बिगड़ सकती है। रिश्तों को संभालने और बचाने के लिए कई बार नर्म होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और वैसे भी हम लड़की वाले झुक कर या जैसे भी हो, हमें सुरभि की जिंदगी आबाद करनी है, बचानी है। हमें किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना। ठीक है पापा, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन चाहे जैसे भी, मैं सुरभि का हक उसे वापस दिलवा कर आऊंगा। एक बार वो जमीन मेरे नाम पे हो जाए, उसके बाद मैं कार्रा को अपना पार्टनर बनाऊंगा, और केदारनाथ और अमरनाथ का दुश्मन। जी तो चाहता है कि इसी वक्त कार्रा के घर जाऊं और उससे पूछूं कि उसने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया। एक लड़की के लिए तुमने अपना घर ही छोड़ दिया? एक लड़की के लिए नहीं, एक लड़की की वजह से, और वो लड़की है तुम्हारी बहन।